दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कॉप क्या है यूपीसी ओ पी एक अप्लीकेशन है जिसके द्वारा आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं क्या है वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों मेरा नाम अनुपम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड तो आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पे सीसी सी, क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस सी सी टी एन एस सिटीजन पोर्टल ओके यहां पे आने के बाद में अगर आप यहां पे देखें यहां पे यूपी कॉप फैक ये दिया गया इस पर क्लिक कर देते हो सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या देन इस ये सर्विस आपको किस तरीके से मिलेगी आपकी फ़ोन पे और वहाँ पे क्या क्या लाभ उठा पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे वीडियो को एंड तक देखिएगा बहुत ही काम की चीज़ है शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है यूपी पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है आइए बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यूपी को मोबाइल ऐप का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है तो यहाँ पर बताया गया कि आम नागरिक के लिए बनाई गई है कोई भी इसका उपयोग लाभ उठा सकता है जो कि उत्तर प्रदेश में रहता है देन देख सकते हैं यूपी को मोबाइल नागरिक किन भाषाओं में उपलब्ध है तो हिंदी व इंग्लिश दो भाषाओं में उपलब्ध है नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है यूपी को मोबाइल ऐप पर किस तरीके से पंजीकृत कर सकते हो तो यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन डाउनलोड करें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर पाओगे देन यहाँ पे आपसे आपका क्वेश्चन है कि पासवर्ड भूल जाने पर क्या फॉरवर्ड पासवर्ड आपको कर लेना है इस तरीके से यहाँ पे ई प्राथमिकी पंजीकरण विकल्प किस प्रकार के अपराधों को पंजीकरण किया जा सकता है तो जब आप एप्लीकेशन लॉग कर लेंगे तो वहाँ पे आता है तो एक बार प्रूफ दिखा देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर में सर्च में लिखेंगे यूपी कोप तो आपको ये अप्लीकेशन मिल जाती है ओपन करके मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में एक एक सर्विस पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप रजिस्टर कर लिए रजिस्टर करने के बाद लॉग कर लिए तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है चीज़ें मिल जाती हैं सो so, कुछ इस तरीके से आपको सर्विसेस मिलती हैं ठीक है तो यहाँ पे पूछा गया कि जो ई प्राथमिकी पंजीकरण हमको मिलेगा तो वो क्या है तो यहाँ पे बताया गया है कि इस अपराध में घटित होने वाले किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध बिना थाने गए कहीं से भी मोबाइल एप्लीकेशन से मुकदमा दर्ज कर सकता है ओके क्या हो सकता है वो वाहन चोरी हो वाहन लूट हो चैन पर्स बैग मोबाइल स्कैनिंग ए, स्नैनिंग स्नैचिंग ओके सामान्य चोरी या फिर इस तरीके की, की जो भी यहाँ पे साइबर अपराध वगैरह हैं तो इन सबका जो है वहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन घर बैठे दे सकते हैं ई एफ आई आर भी वहाँ से कर सकते हैं उसके अलावा आपको यहाँ पे नियर बाय जो भी थाना है वो वहाँ से जान सकते हैं और दुर्घटना चेतावनी क्षेत्र विकल्प से आप जो है कोई सड़क दुर्घटना हुई है तो वो देख सकते हैं अगर चुराए गए बरामद वाहन का विकल्प का प्राय क्या है तो यहाँ पे बताया गया है आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी के साथ अगर आप नीचे देखें तो कई सारी सर्विसेज आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाती है जो कि नागरिक के लिए है और नागरिकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जैसे कि आपको अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखना जरूरी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी थानेदार हैं सबका मोबाइल नंबर मिल जाएगा समस्त क्षेत्राधिकारी जो पुलिस होगी उसका नंबर मिल जाएगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक इन सबका मोबाइल नंबर मिल जाएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी टेंशन नहीं होगी आपके पास सारे नंबर होंगे जब चाहें आप उनसे बात कर पाओगे सो so, यहाँ पे सर्विसेज अगर एक बार ही देख लें आप तो यहाँ पे इवेंट अगर आप करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र में तो उसकी परमिशन ले सकते हैं फिल्म शूटिंग की परमिशन ले सकते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए सर्विसेज हैं दिव्यांग के लिए सर्विसेज हैं इस तरीके से देख सकते हैं साइबर अवेयरनेस के लिए अपलिकेशनस हैं और भी यहाँ पे अगर आप देखें तो रजिस्टर ई e एफ आई आर आपको बिना जाए एफ़ आई आर आप देख सकते डाल सकते हैं जिसको आप व्यू भी कर सकते हैं तो और अगर आपका कुछ खो जाता है कोई भी सामान तो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं नियर बाई पुलिस स्टेशन जान सकते हैं एक्सीडेंटल अलर्ट एरिया पुलिस को ये जानकारी दे सकते हैं और इसी तरीके से अगर आपका वहीकल यानी आपका वाहन खो जाता है रिकवर करने के लिए उसको अपलिकेशन दे सकते हैं आप चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि नियर बाय थाने से दिया जाता है उसके लिए अप्लीकेशन डाल सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन तो क्या होता है हमको इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि किन किन सर्विसेज का हम लाभ उठा सकते हैं तो गवर्नमेंट ने सब कुछ क्लियर करके रखा है आपको किसी भी दलाल की जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब आपको अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग वीडियोस जो मिल जाएंगे किस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करें किस तरीके से रजिस्टर करें किस सर्विस को किस तरीके से यूज़ करें तो उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें और बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा जिस टाइम आप सब्सक्राइब कर रहे हैं एक घंटे का आइकन आएगा जिस पर आप क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपलीकेशन का लिंक और इस पी का जहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं